हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पगड़ी खबरें, अपराध पर कसकर चर्चा, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 पर, सिर्फ मेरे साथ। Thank you.
Gracias.
ये फर्क है, ये फर्क है। करने के बाद वाजपेयी के खिलाफ कौन लड़े थे? हम लड़े थे, मगर जब वो बीमार है पहले मैं वहां गया, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मैं बात समझता हूं कि जरूर वाजपेयी जी हमारे साथ हमारे खिलाफ लड़े, मगर वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान के लिए काम किया। वाजपेयी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे और हम उस पद का पालन करते हैं, और अगर वाजपेयी जी आज बीमार है तो हम जाकर उनके साथ खड़े होंगे। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा धर्म है। शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मेरा कहना है देश का युवा देख रहा है और घबराया हुआ है, क्योंकि आज उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है, रोजगार चाहता है, मगर उसको रास्ता नहीं दिख रहा है और उसके दिल में भावना है कि मैंने अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा किया था और प्रधानमंत्री ने वो भरोसा तोड़ा और आज वो सोच रहा है कि रोजगार में कहां से मिलेगा। और वही भावना किसान के दिल में, किसान कहता है दिन भर मैं काम करता हूं। मोदी जी ने सही नाम देने की बात की थी, कर्जा माफी की बात की थी, मैं अकेला लड़ रहा हूं, मेरी सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी। ये भावना देश के किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में, किसानों की रक्षा और युवाओं को रोजगार सिर्फ एक शक्ति दे सकती है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और कोई नहीं कर सकता है। और अगर कांग्रेस पार्टी में यह काम करना है, स्टेज पे नेता बैठे हैं, मैं यहां भाषण दे रहा हूं, मगर हमारा जो सेनापति है वो वहां खड़ा हुआ है। तो चुनाव जिताता कौन है? चुनाव जिताता कांग्रेस पार्टी का वर्कर है। और मैंने दिल्ली में एक बात कही थी, मैंने कहा था देखिए जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी के वर्कर का आदर होगा और उसकी रक्षा होगी। अब आप चाहिए, आप घूमते हो, आप गुजरात जाओ और गुजरात में हम चुनाव लड़ेंगे और गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ता से जाकर पूछो क्या चुनाव में पैराशूट से किसी को टिकट मिला हमारे यहां ना। और फिर कर्नाटक जाओ और कर्नाटक के कार्यकर्ताओं से पूछो, जब टिकट का निर्णय लिया गया था क्या कांग्रेस पार्टी से के कार्यकर्ता से पूछ कर लिया गया था हां या ना, आपको जवाब मिल जाए। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपकी कांग्रेस पार्टी की वर्कर की रक्षा है और आपको संगठन में आगे बढ़ाने का काम, आपकी आवाज सुनने का काम वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको करके दिखाऊं। हमने राजस्थान में आपकी शक्ति के लिए शक्ति प्रोजेक्ट तैयार किया है। हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की आवाज
कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के अंदर पहुंचे। हम समझते हैं कि लाठी आप खाते हो, बोले पूल पे आप लड़ते हो, बीजेपी का जो झूठ है उसके खिलाफ आप लड़ते हो, और हम आपकी कठिनाइयां समझते हैं। और मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि यह पार्टी आपकी है, नेताओं की नहीं है, आपकी है। और इस पार्टी में सबसे जरूरी जगह आपकी है, मगर आपकी भी एक जिम्मेदारी विचारधारा की लड़ाई है, और आप हमारी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह समझते हो। सबको एक साथ ले जाना है, जैसे मुंबई देश को जोड़ती है वैसे कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है। देश को जोड़ने का काम करना है। जहां भी बीजेपी और आरएसएस के लोग आग लगाते हैं, नफरत फैलाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सीधा पहुंचना चाहिए, कहता है हां ठीक है तुम नफरत फैलाओ, मैं प्यार फैलाता हूं, तुम आग लगाओ मैं पानी डालता हूं। यह आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। आपके पास लिस्ट है 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम एक तरफ, दूसरी तरफ नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलना, ढोकला, राफेल डील, अमित शाह के पुत्र पीयूष गोयल, लिस्ट है आपके पास। अब आप जनता के लिए जाइए, लिस्ट निकालिए और शुरू कीजिए। जनता को सच्चाई बताइए, ये हमारे जो मित्र खड़े हैं इनकी गलती नहीं है, इनको डरा रखा है। देखो आपने इनको डरा रखा है, मगर ये भी हमारे हैं, हमें इनकी भी रक्षा करनी है। और वैसे जो हमारे मित्र हैं, आप थोड़ा सा तो बोलिया करिए, थोड़ा सा राफेल के बारे में, थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में, उनके पुत्र के बारे में, पीयूष गोयल जी के बारे में। मैं जानता हूं आपके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, आपके जो मालिक है उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो मिलकर देखिए, आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं अभी चुनाव थे, अभी एक साल बचा है, अभी ये थोड़ा बुरा हुआ है, आस्ते आस्ते ये भी खुलना शुरू हो जाएंगे, 6 महीने में देखना ये बदल जाएंगे, और चुनाव के 2-3 महीने पहले की बात करना है, पूरा बाहर आएगा, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्राइम मिनिस्टर राफेल सब बाहर आएगा, और मिलकर हम सब मिलकर, पूरा हिंदुस्तान मिलकर। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी जी आज मुंबई के धरती पर आए हुए थे, जिस तरह उन्होंने अपनी बातों को लोगों के बीच रखने की कोशिश की, तो क्या लग रहा है, जिस तरह से कहा जाता है कि नेता हमेशा अपने जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में वो नजर नहीं आते। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये उस प्रकार के भाषण नहीं थे हमारे राहुल जी के, इन्होंने लोगों के बीच में आज बूथ स्तरीय कार्यक्रम रखा है, नेताओं की एक दीवार हटा दी है, कार्यकर्ता और नेता किस प्रकार से एक तरीके से अपने आप में संवाद करें वो रखा। आज शक्ति एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया है उन्होंने, वो काफ़ी अच्छा है, बूथ स्तरीय के कार्यकर्ता जो हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ता है, उन जमीनी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में अच्छा सम्मान मिले वो करने के लिए आज राहुल जी यहाँ पर आए। और आप लोगों ने देखा कि ये जो पब्लिक है, दिल से पब्लिक आई हुई थी, ये पब्लिक किसी के लाए हुए नहीं थे, सिर्फ राहुल जी के नाम से आई हुई थी, और हम सारे लोग पिछले काफ़ी दिनों से हम ये सारे कार्यक्रमों में हम व्यस्त थे, हमारे सम्मानीय नेता संजय निरुपम जी के आदेश अनुसार हमने इस पूरी बम्बई में आज ये कैसा कार्यक्रम किया है,
और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ ऊपर वाले का कि जिन्होंने आज हमें काफी अच्छा मौका दिया। नहीं तो पिछले 3 दिनों से बारिश की काफी चर्चाएं चल रही थी और हम लोग भी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बारिश के रहते हुए भी और उस सबके बावजूद आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। तो जिस तरह से कर्नाटक के जीत के बाद क्या लग रहा है, आने वाले समय में हर जगह फिर कांग्रेस का झंडा लग रहा है? आने वाले दिनों में कांग्रेस लाना ही पड़ेगा, ये हमारे लोगों की हमारे देश की एक मांग है। कांग्रेस के सिवा हमारे जो गरीब शोषित पीड़ित किसान मजदूर उनके लिए कोई चारा ही नहीं है। ये सरकार जो आई हुई है बूट सूट की सरकार, ये राहुल जी ने जो शुरुआत में जो नारा दिया था वो एकदम परफेक्ट है कि सिर्फ बूट और सूट की सरकार थी, सिर्फ नीरव मोदी और ये विजय माल्या जैसे लोगों की सरकार थी, अडानी अंबानी की सरकार है, ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की हमारे मजदूरों की सरकार नहीं है। आज आप लोगों ने देखा हमारे हम लोगों को जो पीछे सम्मानीय राहुल जी ने वहाँ पर हमारे से जो मुलाकात की, हमारे आदरणीय नेता सम्मानीय संजय निरुपम जी ने बताया कि ये सफाई कामगार सेल के हमारे लोग हैं और उसके प्रमुख हैं, तो उन्होंने काफ़ी चाव से हमें बताया और आने वाले दिनों में मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने वादा किया है, राहुल जी ने वादा किया है कि हम पूरे देश में मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी प्रकार से मजदूरों की भी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज हैकिंग पर वीडियो से और हमारे जी न्यूज हैकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।